लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। वहीं आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 1,39,01,285 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने यह बताया कि कल राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। लोकसभा 2024 के तृतीय चरण के मतदान का कल जो है मतदान दिवस रहेगा। राज्य के जो 7 लोकसभा क्षेत्र है, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, इन 7ों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ये मतदान होगा। कुल 15,701 जो है मतदान केंद्र है इन 7ों लोकसभा क्षेत्रों में, और 15,701 मतदान केंद्रों में से हमने दूरस्थ क्षेत्रों के और वनांचल इलाकों में मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगी कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र के 3 ऐसे मतदान केंद्र हैं भरतपुर, सोनहत विधानसभा में, जिनमें कांटो में केवल 12 मतदाताओं के लिए, शेराडांड में केवल 5 मतदाताओं के लिए और रेवड़ा में केवल 23 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं। कल जो है मतदान का समय सुबह 7 से 6 बजे तक रहेगा। विगत लोकसभा 2019 से अब जो है कुल मतदाताओं की संख्या में 9.3% बढ़ोतरी हो गई है और आज मतदाताओं की संख्या है 1,39,01,285, जो हमारे प्रथम चरण के मतदान हुआ था लोकसभा का, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में विगत लोकसभा चुनाव से 2.25% जो है अधिक मतदान हुआ है और जो राष्ट्रीय औसत है 66.14, उससे भी ये 2% अधिक मतदान दर्ज हुआ है। जो द्वितीय चरण के लोकसभा के मतदान हुए थे उसमें भी जो राष्ट्रीय औसत है 66.77%, उससे तकरीबन 10% अधिक 76.24% जो है मतदान दर्ज किया गया और विगत लोकसभा से भी ये 1.5% अधिक मतदान का प्रतिशत है। हमें पूरी उम्मीद है कि तृतीय चरण के चुनाव में भी लोकसभा के इतने ही उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने कल शाम को आएंगे। जो 7ों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जो लिंगानुपात है वो 1,000 पुरुषों पे 1,005 महिला मतदाता इन 7ों लोकसभा क्षेत्रों में है। 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 3,98,416 मतदाता है और 20 से 29 आयु वर्ग के 31,92,602 मतदाता है। कुल 1,29,481 दिव्यांग मतदाता है और 85 आयु वर्ग के मतदाता उससे अधिक 61,715 है और शतायु मतदाता 2,174 है। 11,271 सेवा मतदाता है और प्रति मतदान केंद्र जो औसत मतदाता है वो 885 है। हमने कल पूरे 7ों लोकसभा में बृहद तैयारी की है मतदान केंद्रों पर। 2,809 ऐसे संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए हैं जो पूर्ण रूप से महिला कर्मियों के द्वारा, महिला मतदाता कर्मियों के द्वारा संचालित रहेंगे। इनमें विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि रायपुर उत्तर जो विधानसभा है वहाँ पर 100% सभी मतदान केंद्रों में महिला मतदाता, महिला कर्मी रहेंगे। ऐसे 306 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं जो आदर्श मतदान केंद्र होंगे और 58 विशेष रूप से
ऐसे मतदान केंद्र भी इन सातों लोकसभा क्षेत्रों में स्थापित है जो पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के द्वारा संचालित होंगे। 235 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो पूर्ण रूप से युवाओं के द्वारा संचालित होंगे। कल राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तृतीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक के कुल 2725 हमने होम वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्राप्त किए हैं और 641 डाक मतपत्र अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 428 डाक मतपत्र हमें ETPB के माध्यम से सेवा मतदाताओं के प्राप्त हुए हैं। राज्य में 77,592 मतदान कर्मियों की नियुक्ति कल सुचारू मतदान संपादित कराने हेतु लगाई गई है और इन 77,000 मतदान कर्मियों में 60,234 ऐसे कर्मी होंगे जो कि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वतः मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 17,165 ऐसे मतदान कर्मी हैं जिन्होंने अब तक डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इस चरण में 202 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों को हमने तैनात किया है। इन 15,701 मतदान केंद्रों में 1,072 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं और यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति और वेबकास्टिंग एवं वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इनमें ऐसे 25 मतदान केंद्र भी शामिल हैं जो कि वल्नरेबल के श्रेणी में आते हैं। 283 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि शैडो एरिया में भी स्थापित है और यहाँ पर पर्याप्त रनर्स की व्यवस्था हमने की है और राज्य में 1658 सेक्टर अफसरों की भी नियुक्ति की गई है जो कि कल सेक्टर मजिस्ट्रेट के अपने दायित्व के निर्वहन के साथ साथ प्रत्येक 2 घंटे में मतदान की सतत प्रक्रिया के संबंध में अद्यतन कानून सुव्यवस्था के प्रबंधन की कार्रवाई करते रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में इस बार विशेष ये रहेगा कि वोटर असिस्टेंस बूथ हर मतदान केंद्र में स्थापित होगा और BLOs के पास मतदाता सूची जो कि अल्फाबेटिकल क्रमों में मतदाताओं की जानकारी रखेगी ऐसी सूची उनके पास विशेष रूप से उपलब्ध रहेगी।